Hello students, welcome to the channel. Students, today I shall be providing you the explanation and the question answer of the poem number 29, A Lark. Lark is a brown singing bird. This poem is written by Sir Lawrence Alma Tadema. तो लार्क जो है एक बर्ड का नाम है, जो एक छोटा सा गाता हुआ बर्ड है उसको बोलते हैं अ लार्क. तो जो पोएट है वो लार्क बर्ड से पूछते हैं, ये फर्स्ट स्टैंजा में एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टैंजा का. तो लार्क बर्ड से पोएट पूछते हैं, क्या तुम कभी थकते नहीं हो जब तुम खुले आसमान में पहुँचते हो, तो और रोज़ वही बादल को देख कर तुमको बोरिंग सा नहीं लगता? कभी तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुमको एक गोल्ड फिश रहना चाहिए था और समुंदर के अंदर तैरना चाहिए था? अब सेकेंड स्टैंजा में देखो, पोएट जो हैं वो गोल्ड फिश से बात कर रहे हैं और पूछते हैं गोल्ड फिश से के समुंदर में तैरते हुए क्या तुम थकती नहीं हो गोल्ड फिश, क्या तुम ठंडी लहरों से क्या सच में खुश हो जाती हो, और क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमको एक बर्ड रहना चाहिए और उसके जैसा गाना चाहिए? तो यहाँ पर पोएम की एक्सप्लेनेशन फिनिश हुई. नाउ मूविंग टू दी वर्ड स्टडी. तो यहाँ पर वर्ड स्टडी में सोरिंग, लॉन्ग टू, क्रीप एंड ड्रियरी का मीनिंग दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ गैस द मीनिंग ऑफ वियरी, ड्रियरी और ऑन द विंग की मीनिंग फाइंड आउट कर. तो वियरी का मतलब है वेरी टायर्ड, ड्रियरी का मतलब है डल एंड बोरिंग, एंड ऑन द विंग का मतलब है ऑफ अ बर्ड इन फ्लाइट. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट वन, राइट व्हाट द लार्क डस. आंसर इज द लार्क सोर्स हाई इन द स्काई. सेकेंड क्वेश्चन, राइट व्हाट द गोल्ड फिश डस. Answer, the goldfish dives deep in the sea. Question number third, what does the poet wants to know from the lark? Answer, the poet wants to know whether the lark is never tired or exhausted, and if it does not find the clouds very boring in empty sky, the poet wonders if it does not sometimes wish to be silent goldfish in the sea. Last one, fourth, what does the poet wants to know from the goldfish? Answer, the poet wants to know if the goldfish is never sad, it is really happy when it feels the cold waves creeping towards it. He wonders if it does not sometimes learn to sing and be like a lark in flight. Question number 3, recite the poem. तो इस poem को आपको पढ़ना है, recite करना है tune में. और question number 4, do you long to be something else? Write about your longing. So answer is yes, I sometimes long to be a bird so that I can fly high freely in the sky. I want to go into the clouds and see what is there above the clouds. I want to see the earth and human beings and vehicles from a great height.